सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होगे गाइस। तो गाइस, आज मैं कुछ विजय मार की फोटो एडिटिंग करने वाला हूँ, बहुत मस्त वाली फोटो। सो गाइस, आप देख सकते हो कि इस टाइप की मैं फोटो एडिट करने वाला हूँ। और ये जो कलर इफेक्ट जो है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है इंस्टाग्राम पे गाइस। तो मैंने सोचा कि ये वाली कलर इफेक्ट मैं रखूँगा और बहुत ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है गाइस, बहुत मस्त होने वाली है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हुए दिल में हो रही है खुलखुली। चलो गाइस, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, चलते हैं पिक्सार की तरफ और पिक्चर लगा लेते हैं ऑन। तो पिक्सार ऑन करने के बाद क्या करना है गाइस, मैं सारा प्रोसेसर बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। तो हमारे वीडियो बने रहना, वीडियो को मिस मत करना गाइस। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिक्सार ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको इस प्लस के ऊपर क्लिक कर लेनी, और क्लिक करने के बाद अपनी फाइल में चले जानी। जो भी अपनी फाइल में फोटो रखे होंगे तो अपनी फाइल में अपने फोटो को ऐड कर लेनी है, ठीक है, पिक्सार में। तो हमारा जो फाइल है यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ फोटो शूट में लिखा है, तो अपनी बैकग्राउंड को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है ओपन हो चुका है। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या करना है, चलते हैं ड्रा टूल में। तो ड्रा टूल में जाने के बाद इस फोटो पे क्लिक करेंगे। फोटो पे क्लिक करने के बाद हमने जो फोटो को कट किया है, उस वाली फोटो को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो हमारे विजय मार्क की जो फोटो है, इसमें कुछ एंटिक फोटो बनाने वाला हूँ, कुछ मस्त वाली लगेगी, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, इसको मैं यहाँ से सेट कर लूँगा, थोड़ी साइज़ को मैं बड़ा करूँगा। तो कुछ इस तरीके का साइज़ यहाँ पर रखेंगे, थोड़ा साइज़ को बड़ा रखेंगे और यहाँ से कर लेंगे रेडी, ठीक है। सो गाइस, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एंट्री लेयर बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस सर्कल पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये सर्कल जो है ना, तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट, यहाँ से थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। और फिल करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे, और डन करने के बाद यहाँ पे इरेजर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फोटो को जूम कर लेंगे, ताकि जो कट करो फोटो को, आपको प्रॉब्लम ना हो कट करने में। तो यहाँ से अपने फोटो को कर लेंगे कट, सॉरी गाइस, पहले इस पर क्लिक कर लेते हैं और फोटो पे से क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कर लेंगे, एक मिनट, सॉरी गाइस। तो सर्कल पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ से ओके कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। सो ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको इसे लैंडिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा नीचे लाना और ऐसे घुमा के ऐसे लगा देनी है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ उसको सेट। यहाँ पे गाइस थोड़ा आराम से सेट करना, ताकि जो प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो मेन काम यही है, इसको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद सर आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो और क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे इस लेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको सर्कल पे क्लिक करना है और ये गोल वाला सर्कल यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे डन। और कुछ देर क्या करेंगे, फेस पे ऐसे होल्ड रखेंगे, ये ऑटोमेटिक ये जो सर्कल ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो सर्कल लिया वाली में कर लेते हैं। तो फेस का जो कलर है यहाँ पे रखेंगे, और हमारे जो सर्कल लिया वाली है राउंडिंग वाला, यहाँ से कर लेते हैं ओके। और थोड़ा फोटो को जूम कर लेंगे और ये सर्कल यहाँ पे ऐड कर देंगे, सॉरी यहाँ से, सॉरी गाइस। जब भी आपको ऐसा होता है तो आपको सर्कल पे क्लिक करके ऐसे ओके कर लेना है, ठीक है। आपको लैंडिंग नहीं आएगी ये वाली, आपको ऑप्शन यहाँ पर शो कर जाएगी, ठीक है। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं सेट। तो गाइस थोड़ा इसमें सेट करने में आपको टाइम लगेगा, तो अगर आप लोग सेट कर लोगे तो बिल्कुल मस्त वही लगेगी। जितने आप फोटो में मेहनत करोगे उतनी आपकी जो फोटो है परफेक्ट बनेगी गाइस, ये चीज़ मैं हमेशा बोल। सो गाइस, आप देख सकते हो अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट हो जाए। तो अब तो क्या करना है, आपको सेकंड पार्ट पे भी आपको ये वाली करनी। तो फिर से आपको एंट्री लेयर बना लेनी है, तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ। उसके बाद फिर से वही कलर, जो कलर सेम रहेगा, फिर से आपको ऐसे क्लिक कर लेनी है, सॉरी गाइस। फिर से मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से फिर से ऐसे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ऐसे लंबा खींचेंगे और ऐसे करके इसको घुमा के यहाँ पे सेट कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको इस पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ऐसे कुछ सेट करेंगे, सो इस हमारा जो है ये सेट हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या करना है, आपको ये फिर से एंट्री लेयर बना लेनी है। और ये करना है थोड़ा इस जो कलर, इससे थोड़ा डार्कनेस कलर रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डार्कनेस कलर ये वाली कर लेते हैं, थोड़ा हल्का डार्कनेस। उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर फिर से क्लिक करना है सर्कल पर, यहाँ पर ओके कर देनी है।
और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइनिंग यहाँ पे खींचेंगे, कुछ इस तरह का लाइनिंग यहाँ पे ऐसे वैसे खींच देनी है गैस। उसके बाद ऐसे करके आपको सीधा घुमा देनी है और यहाँ पे ऐसे हेड पे सेट करना है। तो थोड़ा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और ऐसे करके घुमा देंगे। सो गैस आपको कुछ इस तरह का लगेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर से एंटीलर बना लेते हैं और फिर से आपको वही काम करना है। तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे और यहाँ से फिर से वही काम, यहाँ से लंबे खींचेंगे। ये कुछ फ़ोटो जो एकदम एकदम एंटिंग लगने वाली है गाइस, मज़ा लगने वाली है। तो देखते रहना गाइस वीडियो को पूरा। तो गाइस यहाँ पे इस वाली जो लाइनिंग पे मिलाएंगे, थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे आप क्या करेंगे, देख आप फोटो को तो जूम कम करेंगे, आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। 3D जो होगा एकदम एकदम लग रहा है कि रियल है भाई। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ से कर लेनी है डन। तो गाइस डन करने के बाद क्या करना है आपको, कुछ यहाँ पे कुछ PNG है तो यहाँ पे सेट करेंगे। तो चलते हैं ऐड फोटो में और सारा PNG को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। तो अपनी फाइल में चलते हैं, अपनी फाइल में जाने के बाद एक दो दो के बाद यहाँ पर है तीन, तो यहाँ से कर लेंगे ऐड। सो गाइस आपको यहाँ से करते ऐसे करते पहले ये कैमरे को मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करनी है गाइस। सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है यहाँ पे कितने बेहतरीन लग रहे हैं। तो यहाँ से कर लेते हैं डन और कुछ और PNG को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो चलते हैं ऐड फोटो में, अपनी फाइल में आ जाते हैं। तो हमारा जो फाइल है गाइस यहाँ पे फाइल है, तो आपको करना क्या है, आपको ये वाली PNG ऐड कर लेनी है और दो ये वाली PNG ऐड कर लेनी है। तो सबसे पहले ये वाली जो PNG आपको यहाँ पर सेट करनी है, ऐसे कुछ सेट करनी है गाइस, ठीक है। ऑपोसिटी को कम कर लेंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे रेजर पे क्लिक करेंगे, हार्डनेस को बढ़ा लेंगे, साइज कर लेंगे छोटा, और यहाँ पे थोड़ा बारीकी से काम करना है ताकि जो आपकी फोटो अच्छी तरीके से यहाँ पे कट हो जाए तभी नीचे ले। तो ऐसे आपको कट करनी है। सो गाइस सब देख सकते हो यहाँ पे ऑपोसिटी को बढ़ा लेंगे तो कितना बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हो। कैमरा हो गया, फोटोशॉप एडिट हो गया, सब यहाँ पे मैंने दिखाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपको ये वाली जो है ऐसे यहाँ पे सेट करना है फोटोशॉप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको इरेजर पे क्लिक करना है, थोड़ा थोड़ा इसे आइस पे जो हल्का हटा देंगे, ऐसे रखेंगे थोड़ा हल्का। तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है, उसका यहाँ से कर लेना। उसके क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट कहाँ गया भाई, सेकंड पार्ट निकला गैप हो गया। तो यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद चलते हैं फिर से बोले जो करेंट वाली है उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा फिर से। तो यहाँ से कर लेते हैं ऐड और ये वाली जो है यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। और क्या करना है गाइस, आपको जाना है अर्जेस्ट में, अर्जेस्ट में जाने के बाद क्या करना है आपको यू पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे
ये वाली को कलर सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ से करते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस। सो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे सेट अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। तो गाइस यहाँ पे डन करने के बाद क्या करना है, फिर से आपको वाली जो करेंट वाली आपको वहाँ पे आप ऐड कर लेनी है। तो चलते हैं ऐड फोटो में, सॉरी गाइस ऐड फोटो में अपनी फाइल में आ जाते हैं। ये ली जो है दो वाली आपको ऐड कर लेनी है, उसके बाद ये ली जो करंट है आपको यहाँ पे सेट करनी है। तो आपको जाना है और यहाँ पे ऑपोजिट क्या बोलते हैं एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग कर लेते हो, आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे आपको कम कर देनी है, उसके बाद यहाँ से डन रखेंगे ठीक है। तो डन करना कैसे, आपको पहले यहाँ पे आपको इस पर लाइट पे क्लिक करना है, तो लाइट आपको बढ़ा लेनी है ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको करना है डन, और डन करने के बाद आपको इरेजर पे क्लिक करना है, इरेजर पे क्लिक करने में जो फालतू पार्ट यहाँ पे देख रहा है आपको इरेज कर लेनी है। तो यहाँ से कर लेते हैं इरेज, उसके बाद क्या करना है यहाँ से कर लेते हैं डन, और ये जो पार्ट को आपको यहाँ पे ऐसे सेट कर देनी है ठीक है गाइस। तो आपको कुछ इस तरीके से सेट करनी है। तो फिर चलते हैं एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद इसको थोड़ा पूरा कलर जो है फुल कर देनी है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है, थोड़ा इसको आपको डाउन रख देनी है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर डन कर लेंगे, और डन करने के बाद गाइस आपको ऐसे आपको सेट कर देनी है, उसके बाद इरेजर पर क्लिक करेंगे और जो फालतू पार्ट दिख रहा है उसको इरेज कर देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है, कुछ अलग टाइप की फोटो यहाँ पे एडिटिंग लग रही है। सो गाइस आपको क्या करना है, कुछ कलर सेटिंग करना है, तो चलते हैं आपको लाइट रूम की तरफ, वहाँ पे कलर सेटिंग करेंगे। तो ये वाली फोटो को मैं सेव कर लेता हूँ, तो सेव कर लेते हैं यहाँ पे, सेव करने के बाद और चलते हैं लाइट रूम की तरफ। सो गाइस हमारा जो लाइट रूम ओपन हो चुका है, तो अपनी फोटो कर लेते हैं ऐड। तो चलते हैं ऐड फोटो में अपना, और फोटो को फटाफट कर लेंगे ऐड यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे फोटो में आ चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं ऐड। तो हमारा जो फोटो है ऐड हो चुका है, तो फोटो कर लेते हैं ओपन। तो गाइस हमारा जो फोटो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्लियर सेटिंग। तो लाइट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट को कम रखेंगे, साइडों तो थोड़ा साइडों को यहाँ बढ़ा देंगे गाइस ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा व्हाइट बैलेंस, तो व्हाइट बैलेंस थोड़ा कम रखेंगे, थोड़ा ब्लैक को यहाँ पे बढ़ा देंगे, कम रखेंगे सॉरी। उसके बाद इस पर करना क्लिक, उसके बाद मिक्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद क्या करना है येल्लो टोन, तो येल्लो टोन पर क्या करना है थोड़ा सा आपको ऐसे रखना है सॉरी फिर से आ जाओ, फिर ग्रीन, तो ग्रीन को भी हल्का डाउन रखना है। उसके बाद इस पर भी, तो इस पर थोड़ा डाउन रखना है, इसको भी सबको आपको डाउन कर देनी है, थोड़ा अलग इफेक्ट बनेगा गाइस देखना मस्त ही लगेगी। उसके बाद क्या करना है गाइस आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको इसको बढ़ा देनी है, एकदम सॉफ्ट भी फोटो सॉफ्ट भी एकदम मस्त है, ब्लैक एंड व्हाइट जो इफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा चल रही है गाइस। तो मैंने सोचा ये वाली कलर में रखूँगा तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे गाइस ठीक है। उसके कोई सॉरी कॉन्ट्रास्ट नहीं, सॉरी 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 माफ़ करना गाइस, थोड़ा सैचुरेशन को बढ़ा देते हैं। उसके थोड़ा वाइब्रेंस, तो थोड़ा वाइब्रेंस को भी थोड़ा बढ़ा देंगे गाइस ठीक है, थोड़ा फेस को थोड़ा डार्कनेस करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे आप उस पर क्लिक करना है, थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है गाइस ठीक है। सो ये सब देख सकते हो फोटो में कितना बेहतरीन लग रहा है यार। अच्छा तो वाइब्रेट थोड़ा कम कर लेंगे गाइस यहाँ पे, तो थोड़ा सा कम रखेंगे तो मज़ा आएगा, थोड़ा कम रखते हैं। उसके बाद क्या करना है आप उस पर क्लिक करना है, थोड़ा सॉफ्टली इसको बढ़ा देंगे, थोड़ा यहाँ पे नॉइज़ तो फेस को स्मूथ करने के लिए बढ़ा लेते हैं, थोड़ा कलर नॉइज़ को बढ़ा लेते हैं ताकि जो फोटो बिल्कुल मस्त वही लगे गाइस। सो गाइस हमारा जो फोटो बहुत अच्छा एडिट हो चुका है गाइस, आप देख सकते हो गाइस बहुत मस्त वही लग रही है। सो गाइस ये आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा गाइस। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना गाइस, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है। सो गाइस आप इसको सेव करके बताते कैसे आप सेव कर सकते हो, तो आपको टिन डॉट पर क्लिक करना है, टिन डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके फोटो कर लेनी है फटाफट सेव। तो गाइस ये फोटो आपको सेव हो जाएगी फुल HD में, और फटाफट आप जाकर अपलोड करो। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो गाइस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना गाइस। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस, ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।